अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। मेरा नाम सना है और मैं इस वक्त बैरी में मौजूद हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि मैंने वीज़ा कैसे लिया और किधर से लिया। तो आगे चल के वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो बहुत से लोग मुझसे डिस्कस कर रहे थे, भाई आपने वीज़ा किधर से लिया और कितने में लिया। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने वीज़ा किधर से लिया और कितने में लिया। तो मेरी एक बाजी महरीन होती हैं यहाँ बहरीन में, उनका नाम महरीन है, वो यहाँ बहरीन में होती हैं। उनको काफ़ी टाइम हो गया, 5-6 साल हो गया वो यहाँ पे जॉब करती हैं। तो वो मेरी कज़न भी हैं। तो उनसे क्या हुआ था, मैंने बात की थी बहरीन आने की, तो मेरे थोड़े से डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, मेरा वीज़ा लग नहीं रहा था। तो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर वीज़ा सेंड किया, विजिट वीज़ा, सेम ही होता है। उन्होंने मुझे सेंड किया तो फ्री में, उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए, मुझे नहीं पता कि वो कितने में था और ये सब कुछ। तो उन्होंने मुझे फ्री में सेंड किया, तो मैं बहरीन टिकट करवा के बहरीन आ गई। तो जैसे ही मैं यहाँ बहरीन आई तो उन्होंने मुझे यहाँ पर जॉब भी दिलवाई। वो मैं हमने आपसे पिछली वीडियो में डिस्कस की थी कि भाई मैं जॉब क्या करती हूँ। और साथ में जैसे ही बहरीन में आते हैं फ़र्स्ट टाइम, जो भी आए फर्स्ट टाइम, तो उसको वर्क वीज़े के पैसे भी पे करने पड़ते हैं। फ़र्स्ट वीज़े के, फ़र्स्ट टाइम जो वीज़ा लगता है वर्क वीज़े के, उसके पैसे पे करने पड़ते हैं। तो मैंने वो भी नहीं पे किए, वो भी मेरी बाजी महरीन ने ही पे की हैं। तो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आपने कितने में वीज़ा लिया है, तो मुझे नहीं पता कितने में लिया। मुझे तो फ्री मिला, स्पॉन्सर भी फ्री मिला और वर्क वीज़ा भी फ्री में मिला, और उन्होंने मुझे जॉब भी दिलवाई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि लड़कियां यहाँ पे क्या जॉब कर सकती हैं इजीली। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।